और अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ 50। पीएम मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने कहा, यूपी निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह, विकास में हर किसी का योगदान जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भरूच में सहकारी बैंक की बिल्डिंग की भूमि पूजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत हुई है। धामी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जीत के बाद धामी ने जनता का धन्यवाद किया। पश्चिम बंगाल के कुमारकुंडू रेलवे ब्रिज के उद्घाटन पर सियासत तेज हो चुकी है। सीएम ममता बनर्जी का कल पुल का उद्घाटन वो करने वाली है। निमंत्रण को लेकर रेलवे ने उठाए हैं सवाल। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस वाधवा को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। वाधवा पर हत्या और आर्म्स एक्ट के कई केसेस दर्ज हैं। सीएम भगवंत मान ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता से मुलाकात की। परिवार को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को लेकर आश्वासन दिया। भगवंत मान से पहले सिद्धू मूसेवाला के घर जा रहे आप विधायक गुरप्रीत का विरोध किया गया। विधायक ने लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सचिन बिश्नोई ने फोन कर कहा, मैंने ही मूसेवाला को मारा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। मूसेवाला के हथियारों के नेपाल में छिपे होने की खबर, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम नेपाल पहुंची है। मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले के 15 मिनट बाद ही मूसेवाला की मौत हो गई थी। मूसेवाला के शरीर पर 19 जख्म मिले हैं। 424 वीवीआईपी की सुरक्षा कटौती पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगा दी है। कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि 6 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के बाद 7 जून को सभी की सुरक्षा बहाल की जाएगी। पंजाब में गैंगस्टर्स पर नकेल कसने की तैयारी। एडीजीपी एसटीएफ हरप्रीत सिद्धू को एडीजीपी जेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। महाराष्ट्र के चेंबूर में एमएनएस के 8 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। लाउडस्पीकर को लेकर जारी राज ठाकरे की लेटर को बांटने का आरोप लग रहा है। ज्ञानवापी को लेकर गठित धर्म परिषद ने 22 प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें शिवलिंग की पूजा करने के साथ ही नमाज पर रोक लगाने का प्रस्ताव शामिल है। कश्मीर में सुरक्षा के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज अहम बैठक करेंगे। नॉर्थ ब्लॉक में दोपहर 3 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। 15 दिनों में शाह की कश्मीर पर यह दूसरी बड़ी बैठक है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया। हमला करने के दौरान गोलीबारी में ईंट भट्टे पर काम करने वाले बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से जख्मी है। विजय कुमार का राजस्थान के हनुमानगढ़ में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कुल आतंकियों ने बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के टिहरी का प्रवीण गुसाई देश की रक्षा करते शहीद हो गया। शहीद का परिवार हाल ही में देहरादून शिफ्ट हुआ था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सेल कंपनी और अवैध खनन लीज से जुड़ी याचिका कोर्ट ने स्वीकार की। सरकार ने याचिका खारिज करने की अपील की थी। राहुल गांधी अब 13 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। विदेश में होने की वजह से राहुल गांधी ने पेश होने के लिए और वक्त मांगा था। ईशान किशोर ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर निशाना साधा। वैशाली में जन स्वराज यात्रा के दौरान शराबबंदी को लेकर कहा, सीएम को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं। वर्ल्ड साइकिल डे पर दिल्ली में 7.5 किलोमीटर लंबे साइकिल रन का आयोजन किया गया। साइकिल रैली के पीछे पर्यावरण को बचाना और स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मीनाक्षी लेखी ने भी साइकिल चलाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले पंचायत चुनाव में एक नेता पत्नी का नामांकन करने के लिए अनोखे अंदाज में पहुंचा। ढोल नगाड़ों के बीच लोगों का अभिवादन किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास टॉयलेट बनाने पर दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए के जुर्माने भी लगाए। देश में कोरोना के 4,041 नए केसेस। 24 घंटे में कोविड से 10 लोगों की मौत। 2,363 कोरोना मरीज ठीक हुए। प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई, खुद को घर में आइसोलेट किया। कल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में चोरी के शक में 2 युवकों को जमकर पीटा गया। पिटाई का वीडियो वायरल हो चुका है। बिहार के नवादा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 4 महिलाएं घायल।
मध्य प्रदेश के सतना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यूपी के कानपुर से एक लेडी गैंग को गिरफ्तार किया है। गैंग के पास से 18 लाख रुपए की बरामदगी। मथुरा महानगर निगम प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कब्जों वाली जमीन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं करने पर दुकानदार को कुछ लोगों ने लाठी डंडी से पीटा। सागर में कार पार्किंग को लेकर महिलाओं के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। विवाद के बाद बीजेपी नेता के भाई और संबंधियों पर भी केस दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में एक दारोगा ने बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए हैं। डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। मध्य प्रदेश के रतलाम में अचानक एक कार में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर है। गुजरात के वडोदरा की एक नाइट्रेट कंपनी में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई है। धमाकों की आवाज 10 से 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फैक्ट्री में एक के बाद एक 8 धमाके हुए। असम में जोरदार बारिश हुई। असम मेघालय बॉर्डर पर NH-37 पर पानी भर चुका है। कई वाहन पानी में फंस गए। आज रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं। बीते 100 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है, तो वहीं यूक्रेन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 100 दिन बाद भी युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। बर्बाद हुई इमारतों का वीडियो सामने आया है। पुतिन की हत्या की कोशिश को लेकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। दावा यह है कि मार्च में पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट अमेरिका के एक प्रमुख अखबार में छापा गया है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन भी यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है। ये रॉकेट सिस्टम करीब 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है। साथ ही ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के सैनिकों को इसे चलाने की ट्रेनिंग देगी। यूक्रेन की सेना खार्कीव के करीब रूसी ठिकानों पर भीषण रॉकेट हमले कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर रूसी सैनिकों से छीने गए हैं, जो अब रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन के खार्कीव में यूक्रेन और रूस की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस का टैंक तबाह किया है। रूस की सेना ने लिसिचांस्क में यूक्रेन की सेना पर यह स्ट्राइक के हमले का वीडियो सामने आया। रूस ने जैविक हथियारों को लेकर अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस का दावा है कि अमेरिका रूस की सीमाओं के चारों तरफ जैविक हथियारों की प्रयोगशाला की बिल्ट बन रहा है। यूक्रेन के साथ चल रहे महायुद्ध के बीच रूस की नौसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। युद्धाभ्यास में 40 जंगी जहाज और 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जाने से मुलाकात की। इस मौके पर कई देशों के राजदूत भी देखे। ये मुलाकात इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि आज ही महायुद्ध के 100 दिन पूरे हुए। प्लास्टिक बनाने वाले फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग 2000 स्क्वायर फीट में फैल गई। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बार बिजनेस सेंटर में भीषण आग लगी। नॉर्थ कोरिया के जल्द परमाणु परीक्षण करने की अटकलों के बीच अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों की मुलाकात हुई है। उत्तर कोरिया के खिलाफ किलेबंदी की यह तैयारी चल रही है।